देख तो नहीं लिया। फटे हुए अंगोछे में सजावट का स्वर्ण पात्र, इसे छीन लेता हूं। परंतु अपने ही जैसे सज्जन को तकलीफ देना ठीक नहीं, अब चलना ही चाहिए। मित्र तुम्हें गौ और ब्राह्मण की सौगंध है, तुम स्वर्ण पात्र ना ले लो। गौ माता और ब्राह्मण की सौगंध का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है, अब तो लेना ही पड़ेगा। चारों वेदों का ज्ञाता और कभी ना किसी से दान लेने वाले पिता का पुत्र ब्राह्मण सर्वेलक, ये कैसा कार्य कर रहा है? वर्तमानन, ये तो किसी के आने का स्वर है, यहाँ स्थिर हो जाता। वर्तमानन, अरे वर्तमानन काल के चौबारे में सोया था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो स्त्री है। चोर 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 चोर, अरे बैठ उठो, देखो चोर हमारे घर में सील लगा के भागा जा रहा है। क्या कहती है दासी की पुत्री, चोर सील लगा के घर में भागा जा रहा है। अरे ये तो जैसे घर में किसी ने दूसरा द्वार ही बना दिया हो। मित्र मित्र, अरे जानवर उठो, हमारे घर में चोर से इधर लगा कर भागा जा रहा है। मित्र उठो, मित्र इस प्रयास में क्या रखा है, सुन। अरे प्रयास नहीं है बंधु, तुम देखो तो सही, इधर देखो मित्र, उठो ये देखो। ये तो सचमुच किसी ने कितनी सुंदर से इन लगाई, इस काम में भी किसी ने क्या कला दिखाई है। मित्र ये काम दो में से एक का है, या तो किसी इस काम के विद्यार्थी का, नहीं तो किसी बाहर से आए व्यक्ति का, नहीं तो उज्जैनी में ऐसे कौन है जो हमारे घर की परिस्थिति नहीं जानता। सच कहते हो मित्र, पुराने बने इस विशाल भवन को देखकर उसके मन में न जाने क्या क्या आशाएं जागी हुई, परंतु दुखी और निराश होकर बेचारा लौट कर चला गया होगा। अपने मित्रों से जाकर बेचारा क्या कहेगा कि सार्थवाद के पुत्र के घर जाकर भी कुछ नहीं मिला। वाह मित्र वाह, तुम्हें अभी भी उस चोर की चिंता सता रही है। अरे उसने सोचा होगा इतना बड़ा घर है, यहाँ कोई स्वर्ण पात्र मिलेगा, कोई रत्न पात्र मिलेगा। देखो मित्र, तुम सदैव कहते हो ना कि मैत्र तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, ये हो वो। अब बताओ मैंने अच्छा किया कि नहीं कि वो स्वर्ण पात्र तुम्हें सौंप दिया, नहीं तो वो दासी का पुत्र से ले जाता। अब ये परिहास छोड़ो। अरे मित्र मैं क्या इतना ही मूर्ख हूँ जो प्रयास का समय और स्थान नहीं जानता? पर मुझे तुमने वो कब दिया था? संभव है दिया भी हो। मित्र एक बहुत ही प्रिय सूचना है। उसे चोर नहीं ले गया ना? नहीं गया है। तो प्रिय समाचार क्या है? कि वो खाली हाथ नहीं गया। पर मित्र वो तो धरोहर थी। धरोहर थी? हाँ। बंधु धीरज रखो धीरज रखो, धरोहर की वस्तु यदि चोर ले गया तो तुम क्यों मूर्छित हो जाते हो? मित्र सत्य पर कौन विश्वास करेगा, सब लोग मुझ पर लांछन लगाएंगे। अरे तुम देखना मैं कह दूंगा किसने रखी थी धरोहर, किसके पास रखी थी, इसका साक्षी कौन है। तो अब मैं झूठ भी कहूंगा, भिक्षा मांग कर ही क्यों ना हो धरोहर का मूल्य मैं अवश्य चुकाऊंगा। ऐसा झूठ मैं नहीं कहूंगा जिससे चरित्र और हीन हो जाए। मैं जाकर आर्या दूता को बता देती हूँ। चोर ले गया,
हाँ आर्या दूता आपको बुला रही है। आर्या कहाँ है वे? कल्याण हो आर्य। आर्य प्रणाम लीजिए, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ये क्या है? मैंने रत्न षष्ठी व्रत किया था जिसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान देना होता है, जो मैंने नहीं दिया उसी प्रसंग में आप इसे स्वीकार कर लीजिए। कल्याण हो, मैं जाकर अपने प्रिय मित्र को बता दूं। आर्य मैत्री ये बात कहकर लज्जित ना करें, कितना महान हृदय है इनका। मैत्रेय को आने में विलंब हो रहा है, कलेश के मारे को अनकरनी ना कर बैठे। मैत्रेय! आओ मित्र, बस आ गया। ये लो मित्र। ये क्या है? आपने जो अपने अनुकूल पत्नी चुनी है ना, उसका फल। ओह, तो ब्राह्मणी ने ये मेरे ऊपर कृपा की। मैत्रेय, तुम इसे लेकर बसंत सेना के पास चले जाओ और मेरी ओर से उससे कहना कि उसका स्वर्ण पात्र हम अपना समझकर जुए में हार गए और उसकी जगह ये रत्नावली है। अरे मित्र, ना उसे खाया ना पिया और उसे चुरा कर ले गए चोर। उस साधारण से स्वर्ण पात्र के स्थान पर चार समुद्रों का सार को अपनी रत्नावली दे दी जाएगी क्या? नहीं मित्र, ऐसा ना कहो। देखो, तुम्हें मेरे शरीर की सौगंध खा के कहना होगा कि इसे दिए बिना लौट कर नहीं आओ। जैसी आज्ञा मित्र। और देखो, वहां जाकर खुले चित्त और उदार भाव से सब बातें करना। हां, निर्दय व्यक्ति से बात करें उदार भाव से। वाह मित्र, आज भी निर्दय नहीं। निर्धन व्यक्ति को कहां यह सुलभ है कि पत्नी उसकी स्थिति के अनुसार तुम्हारे जैसा मित्र सुख दुख में उसके साथ रहे और भोग में सत्य की रक्षा कर सके। तो प्रसन्न मुख व्यक्ति है परंतु अपराध की चेतना ने इसे उद्विग्न कर रखा है।
किन दोनों? अपने शरीर और चरित्र को। मूर्ख होने वाली बात मत कर, संपत्ति केवल साक्षी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। तुम्हारा चरित्र आज से निर्दोष ही रहा है, क्या मेरे कारण ये साहस करके तुमने बहुत बड़ा काम नहीं किया? चोरी मैं करता हूँ, परंतु अच्छे और बुरे का विवेक नहीं छोड़ू। विभूषण ने और प्यारे वतन सेना को देखकर कहना, जैसे उनके आकार को देख कर बनाया गया, मेरे स्नेह के कारण उसे धारण करें और इस बात को गुप्त किया। ये रहा वो आभूषण। ये आभूषण तो परिचित सा लगता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुझे इससे क्या करना है? यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो क्या मुझे ऐसे ही मुक्त कराना चाहते हो? प्रभात के समय सृष्टियों के चतवर में मैंने सुना था ये आर्य चारुदत्त का है। आर्य चारुदत्त? मंदिका, मंदिका। तो साक्षी, मेरे कार्य का कार्य करते हुए तुमने कहा किसी के प्राणों को शक्ति नहीं पहुंचाई। मंदिके, डरे और सोए हुए व्यक्ति पर शर्मिला प्रहार नहीं करता। मैंने वहां किसी के प्राणों को क्षति नहीं पहुंचाई। सच कहता हूँ। मुझे तो जैसे नए प्राण मिल गए। सच? कितना प्रिय समाचार है। प्रिय समाचार? क्यों? ये आभूषण आर्य वसंत सेना का है। उससे क्या? ये आर्य चारों तरफ के लिए पाया गया था। किस लिए? इधर आओ। इसलिए। कितने दुख की बात है, बता मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मानो वापस ले आओ। वो यदि न्यायालय में सूचना दे दे। चंद्रमा कभी किसी को ताप नहीं देता। कितनी अच्छी बात कही तूने मद्दिका। नहीं, ये बात तो नीति के अनुकूल भी नहीं। कोई और उपाय सोचो। एक उपाय और है। ये और क्या उपाय बताएंगे? आर्य चारुदत्त के संबंधी अंदर ये आभूषण आर्य को। उससे क्या होगा? तुम चोर नहीं रहोगे, आर्य चारुदत्त के सिर पर ऋण नहीं रहेगा और आर्य का अच्छी बात कही है तूने मद्निका। कोई दासी ऐसी बात नहीं कहती। परंतु ये तो बहुत दुस्साहस का काम है। तुम आभूषण ले चलो, दुस्साहस ना ले जाने तो तुम शर्त ना देना, मैं तुम्हारे आने की सूचना दूंगा। अच्छी बात। आर्या, आर्य चारुदत्त के घर से एक संबंधी आया है। अच्छा, ये तुमने कैसे जाना कि वो उनके पास से आया है? अब अपने संबंधी को क्या मैं ही नहीं पहचानूंगी? अच्छा, जाकर बुलाना। आ जाइए आर्य शर्मिला। कल्याण। प्रणाम आर्य, स्वागत है आपका। कहिए कैसे आए हैं? आर्य चारुदत्त ने कहा है कि घर जर्जर हो जाने की वजह से हम इस स्वर्ण पात्र को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो आप इसे अपने पास रखें। कल्याण। ठहरिए आर्य, हमारी ओर से संदेश के बदले कुछ लेते तो जाएं। लेकर वहां जाएगा कौन? जी कहिए क्या ले जाना होगा? ये मद्निका है ना, आप इसे अपने साथ ले जाएं। मैं समझा नहीं। क्या मेरा समझना पर्याप्त नहीं? परंतु आप क्या समझकर? आर्य चारुदत्त ने मुझसे कहा था कि जो कोई भी संदेश लेकर आएगा मद्निका मैं उन्हें सौंप दूं, तो बस आप ये समझिए कि मद्निका उन्हीं की ओर से आपको सौंपी जा रही है। लगता है इन्हें पता चल गया। वाह, कितने अच्छे हैं आर्य चारुदत्त। वाह, कोई गाड़ीवान है यहाँ? कोई गाड़ीवान है? जी आ रहा, गाड़ी तैयार है। मद्निका, मुझे अच्छी तरह देखो, अब तू दूसरी को सौंप दी गई, अपना ध्यान रखना, आर्या को भूल मत जाना। तो आर्या ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं। सिद्धों की भविष्यवाणी जानकर कि बोलो का पुत्र आर्यक राजा होगा। राजा पालक ने उसे घोर कारागार में डाल दिया है। सब अपने अपने स्थान पर सावधान रहे। क्या राजा पालक ने मेरे प्रिय मित्र आर्यक को कारागार में डाल दिया? और ऐसे समय मैंने एक स्त्री का भार अपने ऊपर ले लिया है, परंतु मित्र का स्थान अन्य सबसे कहीं ऊंचा होता, मैं यहीं उतर जाता। मेरे हृदय में भी बात भरत भरत जी, तुम सातवां रेविल का घर जानते हो? जी जानता हूँ। इन्हें वहां छोड़ दो। जैसी आज्ञा। मैं आपकी आज्ञा से
जा रही हूँ, अपना ध्यान रखिए। दुष्ट राजा पालक, मैं अब अपने मित्र के उद्धार के लिए अपने फुटबल से ख्याति प्राप्त बेटा को राजा द्वारा अपमाने तथा उस पर कपे राज्य कर्मचारियों को भड़काने का प्रयत्न करूंगा। जाओ जाकर आर्य चारुदत्त को मेरे आने की सूचना दे दो, तो मैं चलता हूँ।
आर्य चारदत्त यहाँ वृक्ष वाटिका में बैठे हैं। ये दुष्ट ब्राह्मण भी यही है, इसको संकेत देकर बुलाता हूं। कौन है दीवार के ऊपर से पुष्प कंकर फेंक रहा है? अरे ज्ञान भवन की बेटी से कबूतर लग रहा है। दासी के पुत्र दुष्ट कबूतर टूटे हैं, अभी मैं तुझे नीचे गिराता हूं। अरे मित्र बैठो, चारे कबूतर को विश्राम कर ले, बैठो। प्रणाम आर्य। कुंभिला जी कैसे आए? वही आई है। कौन? अरे वही। अरे कौन? अरे वही। अरे कान? अरे वही। क्या भूखे कंगाल की तरह वही वही लगा रखा है? और जो तुम कौवे की तरह कौन कौन कर रहे हो वो तुम बात बताओ। मैं इसे इस तरह बताऊं? अच्छा मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। और मैं इस लाठी से तुम्हारा सर तोड़ता हूँ। आम में मंजरियां किस ऋतु में आती है? ग्रीष्म में। नहीं नहीं नहीं, फिर कब आती है? मित्र आम में मंजरिया कब आती है? मूर्ख वसंत में। मूर्ख वसंत में। हाँ अब ये बताओ, एक समृद्धिशाली ग्राम की रक्षा का भार किस पर रहता है? अरे गांव की गली पर। नहीं नहीं नहीं, मित्र ग्राम की रक्षा का भार किस पर होता है? मित्र सेना पर। सेना पर। हाँ अब इन दोनों को मिलाकर बोलो। सेना वसंत। नहीं नहीं पलट कर। सेना वसंत। अरे पद पलट कर। सेना वसंत। अरे मूर्ख शब्द पलट कर। अरे वसंत सेना। हाँ वही तो आई है वसंत सेना। मित्र तुम्हारे महाजन आए हैं हमारे कुल में। अब कुल में ना हो द्वार पे तो है। अरे वसंत सेना आई है। क्यों मुझे झुटलाते हो मित्र? हाँ अब तो मुझ पर विश्वास भी नहीं है। वाह इससे पूछो ऐसी के पुत्र यहाँ। प्रणाम आर्य। प्रणाम। स्वागत है भद्र। क्या सचमुच वसंत सेना आई? जी वो सचमुच आ रही है। प्रिय समाचार देने वाला मेरे यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये लो बात। तो मैं आर्य को सूचना दे देता हूँ। जानते भी हो मित्र कि ऐसे अंधेरे दुर्दिन में वो क्यों आई है? मित्र मैं ठीक नहीं कह सकता। अरे मैं कह सकता हूँ, वो रत्नावली कम मूल्य की थी और वो स्वर्ण मात्र अधिक मूल्य का था। कुछ और लेने आई है तो असंतुष्ट नहीं जाएगी? कल्याण हो। प्रणाम आर्य, मेरा आना अच्छा तो लग रहा है। वो जुआरी कहा है? वाह जुआरी कहकर क्या शोभा बढ़ाई मेरे मित्र की। वाह यही बैठे हैं सूखी वृक्ष वाटिका में। आर्य आप इस वृक्ष वाटिका को सूखी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ ना मुझे कुछ खाने को मिलता है ना पीने को। चलिए आइए। सुन वहां जाके उनसे कहूंगी क्या? कहना जुआरी तुम्हारी संध्या अच्छी तो बीत रही है, क्या मुझे कहा जाएगा? अफसर अपने आप कहला देगा। चल आइए। जुआरी तुम्हारी संध्या अच्छी तो बीत रही है। बसंत सिंह आ गई तू, स्वागत है, यहाँ बैठ जाओ। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसे अंधेरे दुर्दिन में जबकि ना चांद है और ना चांदनी आप यहाँ कैसे आई है? कितना सीधा ब्राह्मण ये कि कितना चतुर ब्राह्मण है। आर्य ये पूछने के लिए आई है कि उस रत्नावली का मूल्य क्या है? मित्र मैंने कहा था ना वो रत्नावली कम मूल्य की थी और वो स्वर्ण मात्र अधिक मूल्य का था, कुछ और लेने आई है। अरे आर्य ने भ्रम से उसे अपनी समझकर चूहे में हार दिया, वो द्वितीयाध्यक्ष राजा का संदेश लेकर ना जाने कहां चला गया। अरे आप तो मेरी कही हुई बात कह रही है। जब तक वो व्यक्ति नहीं मिलता तब तक के लिए स्वर्ण पात्र अपने पास रख ले। अरे आप सोच में पड़ गए, क्या ये स्वर्ण पात्र आपने
पहले भी कहीं देखा है। हाँ, इसका शिल्प इतना अच्छा है कि इससे दृष्टि ही नहीं हटती। आपकी दृष्टि धोखा खा रही है, ये वही स्वर्ण पात्र है। मित्र देखो, ये वही स्वर्ण पात्र है जिसे हमारे घर से चोर चुरा कर ले गया था। मित्र, धरोहर लौटाने का जो बहाना हमने किया था वही हमारे साथ किया जा रहा है, परंतु क्या ये सचमुच वही पात्र है या हमारे साथ कोई छल किया जा रहा है? अरे मित्र, मैं अपने ब्राह्मणत्व की सौगंध खाता हूँ, ये वही है। तब तो ये बहुत ही प्रिय समाचार है। भद्रे, क्या ये सचमुच वही पात्र है? जी आर्य, ये वही स्वर्ण पात्र। देखा, प्रिय समाचार देने वाला मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। ये लंग तरह दुखी होना ठीक नहीं। मित्र, देवी मेरे स्नान की धोती लौटा दे। रत्नावली भेजकर मुझे इस तरह छोटा करना उचित नहीं था। देखो वसंत सिंह, सत्य पर कौन विश्वास कर, सब लोग मुझे छोटा बता दो। निर्धनता में व्यक्ति का तेज इस तरह मन पड़ जाता है कि हर व्यक्ति उस पर संदेह करने लगता है। देखो मित्र, हम लोग सुख से ना बैठ सके इसलिए ये बरसती हुई घटा फिर से उबड़ाई है। अरे दासी के पुत्र सुदिन, कितना बुरा है तू, इस बेचारी दासी की पुत्री को भी जिगे से बनाता है। अभी पड़ोस के बच्चे की सोने की गाड़ी से खेल रहा था, वो उसे ले गया तो अभी उसे ढूंढ रहा है।
इसका मन बहलाने के लिए मैंने इसे मिट्टी की गाड़ी बना के दी, तो कहता नहीं मुझे वही सोने की गाड़ी ला कर दो। तुझे भी सोने की गाड़ी में खेलने को जरूर मिलेगा। ये कौन है इतने का? तेरी माता समान पूजा है। ये मेरी माँ के समान पूजा है, तो इसके शरीर पर इतने सारे आभूषण कैसे?